एस्ट्रोनॉमर्स ने कैप्चर किया है एक पहले आने वाली चीज को जो कि सोलर सिस्टम के बाहर से आई है। क्यून्स यूनिवर्सिटी के बेलफास्ट साइंटिस्ट हैं जो कि इंटरनेशनल टीम के साथ स्टडी कर रहे हैं इस नई चीज की जो हमारे सोलर सिस्टम में घुस आया है। यह पहला कॉमेट या एस्टेरॉयड है जो दूसरे स्टार से आया है। इस फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को नाम दिया है A2017U1 जो अभी देखा गया है 18 अक्टूबर को में हवाई के पेन स्टार टेलीस्कोप से। यूके यूएसए चिली इन देशों के एस्ट्रोनॉमर्स इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पावरफुल टेलीस्कोप से जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कुछ दिनों में पता चल जाएगा ये ऑब्जेक्ट कहीं एलियन तो नहीं है जो हमारे सोलर सिस्टम में आया था। रिसर्चर्स का कहना है कि हम जल्दी इस पर स्टडिंग करेंगे रात को विलियम हर्शल टेलीस्कोप से जो कैनरी आइलैंड्स में मौजूद हैं। सबसे बड़ा टेलीस्कोप चिली देश में है। नए डेटा के हिसाब से ये छोटा रॉक या कॉमेट जो कि घूमते हुए अरबों या फिर खरबों साल का सफर तय करते हुए आ रहा है और जो हमारे से सोलर सिस्टम में घुसा है। यह ऑब्जेक्ट जब सोलर सिस्टम में आया था तो वो सूरज के बहुत नज़दीक था पिछले महीने और वो वापस चला गया। पर इसके बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट को अभी इस पर स्टडी करनी पड़ेगी। लकी होने की वजह से यह ऑब्जेक्ट दिख गया पावरफुल टेलीस्कोप्स में जिससे साइंटिस्ट इस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर पाए। टीम स्टडी कर रही है इस ऑब्जेक्ट को जिसमें प्रोफेसर एलन फिट्ज़साइमंस हैं और एमएस नियर हाईलैंड हैं क्यून यूनिवर्सिटी बेलफास्ट से, डॉक्टर पॉली स्नोड्रेस हैं ओपन यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर रॉबर्ट जेडगी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से और डॉक्टर बिन यंग हैं यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी से।